वही पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस बार ये मतदाता करने वाले हैं। इन प्रत्याशियों में 93 महिलाएं शामिल हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा गठबंधन के साथ बीजेपी, पीएलसी, शिया संयुक्त और विभिन्न किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला हो गया है और इस चुनाव में पंजाब के कई चर्चित चेहरों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन चेहरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान, कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल जैसे तमाम प्रमुख चेहरे इस बार चुनावी रण में हैं। अपनी सत्ता को कायम रखने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ कांग्रेस को विभिन्न मुद्दों को लेकर कई राजनीतिक विरोधियों के तीखे हमलों का सामना भी करना पड़ा। इनमें मादक पदार्थ और भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी खुद की एक पार्टी वो लॉन्च कर दी थी उन्होंने और इसके साथ ही अब जो पंजाब के रण में किसान दल भी उमड़ आए हैं और इसके साथ साथ तीन दलों के बीच लड़ा जा रहा है ये चुनाव, जहां पर एक मजबूत चौथे प्रतिद्वंदी की एंट्री यहां पर किसान पार्टी के रूप में हुई है। और इसी दौरान अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि आखिर पंजाब की इन तमाम विधानसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है। पंजाब की सुजानपुर सीट से नरेश पुरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अमित सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजकुमार गुप्ता अकाली दल की तरफ से और दिनेश कुमार बब्बू बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है। पंजाब की सुजानपुर सीट एक अहम सीट मानी जा रही है जहां से ये तमाम प्रतिद्वंदी इस बार चुनावी रण का हिस्सा बने हैं। नरेश पुरी कांग्रेस की तरफ से, अमित सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजकुमार गुप्ता अकाली दल की तरफ से और दिनेश कुमार बब्बू बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में सुजानपुर सीट के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। और चुनाव की एक और सीट यहां पंजाब की बात करेंगे भवा सीट की ओर, तो भवा सीट से आखिर कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं आपको दिखाते चले कि जोगिंदर पाल कांग्रेस की तरफ से भवा विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लालचंद कटारुचक आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राकेश महाशा बसपा और अकाली दल के संयुक्त कैंडिडेट यहां पर हैं। सीमा कुमारी बीजेपी की तरफ से भोवा विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की भोवा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जोगेंद्र पाल कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में है, लालचंद कटारुच आम आदमी पार्टी की तरफ से और इन्हें टक्कर देने के लिए राकेश महाशा और सीमा कुमारी सामने हैं। और अब एक और अहम और बेहतरीन सीट यहां पर पंजाब की पठानकोट सीट। पठानकोट सीट से उम्मीदवारों की सूची आपको दिखा दे जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पठानकोट सीट से अमित विज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। विभूति शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है। ज्योति भीम बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर मैदान में है। अश्विनी कुमार शर्मा बीजेपी की तरफ से पठानकोट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अहम सीट मानी जाती है पंजाब की पठानकोट, जहां पर यह प्रतिद्वंद यहां पर देखने को मिलेगा और आज मतदाता पठानकोट सीट पर इन तमाम उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। और पठानकोट के बाद रुक करेंगे गुरदासपुर सीट की और यह भी एक अहम सीट पंजाब की मानी जा रही है। गुरदासपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले कि गुरदासपुर में बिरेंद्रजीत सिंह पेहरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए। यहां पर रमन बहल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है और गुरबचन सिंह बभोली अकाली दल की तरफ से मैदान में है। परमिंदर सिंह गिल बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है। गुरदासपुर विधानसभा सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। आपको बताते चले कि बरिंदरजीत सिंह पेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। रमन बहल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरबचन सिंह बबेहाली अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। परमिंदर सिंह गिल टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से गुरदासपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे दीनानगर सीट की, तो दीनानगर सीट से प्रत्याशी कौन है मैदान में इस बार वो भी जरा देखते हैं। दीनानगर से अरुणा चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं यहां पर, जो अपने चुनावी रण में हैं इस बार, और रामेश शमशेर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दीनानगर से, और कंवलजीत चावला
बसपा और अकाली दल गठबंधन के यहां पर कैंडिडेट हैं रेणु कश्यप। भाजपा की तरफ से दीनानगर विधानसभा सीट से चुनावी रण में हैं। इन चार प्रत्याशियों के बीच द्वंद्व हो रहा है और इस दौरान वोटिंग लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पंजाब की दीनानगर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं एक तरफ वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं के भाग्य का फैसला जो है, भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे इन तमाम उम्मीदवारों की। तो वहीं अरविंद मित्तल जी हमारे साथ अकाली दल से जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर। जी धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती इस बार का चुनाव लग रहा है सर? देखिए पंजाब का जो चुनाव है इस बार वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसमें मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है जी। और पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में, कि सभी पार्टियां, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी। तो सभी पार्टियों के ऊपर पंजाब के लोगों में एक दोष रहा है कि पंजाब का फैसला दिल्ली के लोग करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब में अगर कोई पार्टी पंजाब के विषय में चिंता करती है और उसमें पंजाबी लोग चिंता करते हैं वो तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल। इसलिए पंजाब के लोग इस बार फिर से श्रोमणी अकाली दल की ओर अपना भरोसा जताएंगे और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी। पर अरविंद जी इस बार बहुकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, किसानों की भी एक अलग से पार्टी यहां पर इस बार मैदान में है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बटने का खतरा इस बार है? देखिए किसान आंदोलन में जो बहुत बड़े हिस्सा लिया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में, तो किसान की पार्टी जो खड़ी हो रही है वो अगर किसी के वोट को डेंट कर रही है तो आम आदमी पार्टी को कर रही है। श्रोमणी अकाली दल का कैडर, श्रोमणी अकाली दल के लोग उनके साथ हैं, इसलिए किसान दल के खड़े होने से श्रोमणी अकाली दल को कोई नुकसान नहीं। पर कहीं ना कहीं जो किसानों की जो पार्टी अलग से है, तो जो पार्टी के वोट जो श्रोमणी अकाली दल को मिल सकते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो किसान पार्टी के खाते में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं श्रोमणी दल को भी नुकसान हो सकता है उससे? नहीं, मैंने यही बात कही, आप मेरी बात नहीं समझे। किसान पार्टी जो है राज्यवाल जी की लगातार बातचीत अरविंद केजरीवाल के साथ होती थी, अकाली दल के साथ कभी उनकी बातचीत नहीं थी, अकाली दल के साथ कभी वो लोग नहीं थे, और अरविंद केजरीवाल की ही मदद के साथ उन्होंने सारा ये आंदोलन किया था। अकाली दल ने तो जब भी उनकी मदद करने की कोशिश की उन्होंने मना किया कि हमें नहीं। तो अकाली दल का वोट बैंक अकाली दल के साथ है, अगर किसान पार्टी अलग से खड़ी हो रही है तो उसका नुकसान अगर हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और इस बार जनता के लिए शिरोमणि अकाली दल के पास क्या कुछ है पिटारे में, क्योंकि लगातार जो है सत्ता के बाद लोगों का ये आरोप रहता है कि पार्टियां बदल जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं किए जाते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही 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 फर्क है श्रोमणी अकाली दल में और बाकी पार्टियों में। श्रोमणी अकाली दल का हमेशा ये रहा है कि जो जो बात उन्होंने कही वो पूरी की। आज भी पंजाब के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर कहीं विकास पंजाब में हुआ था तो श्रोमणी अकाली दल के समय में हुआ था। जितनी भी सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज और जितने भी शहरों में प्रोजेक्ट्स आए, जो म्युनिसिपल कमेटी के प्रोजेक्ट्स आए, वो सब प्रोजेक्ट्स जो थे वो श्रोमणी अकाली दल की सरकार में आए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ और आज लोग इसको मानते हैं कि अगर काम करना है तो श्रोमणी अकाली दल को आगे लाना पड़ेगा। और आप देखना 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी पंजाब में जी। चलिए अरविंद मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि पंजाब में लगातार वोटिंग जारी है, सुबह 8 बजे से मतदान किए जा रहे हैं और शाम के 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। और इस बीच आपको बताते चलें कि पंजाब में इस बार जो मुकाबला देखने को मिल रहा है बहुकोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां पर तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, प्रचार पर थम चुका है और अब जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, इनका भविष्य तय करेंगे जनता यानी कि मतदाता, जो कि अब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं और